Hey guys, welcome to our channel. Today in this video, I will share you guys almond hair pack. जी हाँ, आज मैं आपके साथ बादाम का हेयर पैक शेयर करने वाली हूँ. आप सोच रहे होंगे बादाम का हेयर पैक, वो भी बालों के लिए. जी हाँ, तो अभी तक आपने जो सुना है कि बादाम सिर्फ हम खाने में यूज़ करते हैं, उसका इंटेक करते हैं अपने दिमाग की हेल्थ के लिए, तो आज मैं आपके साथ इसका हेयर पैक शेयर करूँगी. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने बादाम ले लिए. इसको ओवरनाइट आपको सोक करना है एंड मॉर्निंग में आप इसे पील ऑफ कर लेंगे और इसका एक एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे. मैंने इसमें पेस्ट बनाया है, आप चाहें तो ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर सकते हैं. बहुत ही फाइन पेस्ट आपको इसका बना लेना है. और फिर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ गुलाबरी का रोज़ वाटर. रोज़ वाटर जो होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही फ्रेशनेस देता है हमारे हेयर को, हमारे स्कैल्प को. तो यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर का यूज़ किया है और इसके साथ मैंने इसका बहुत ही फाइन पेस्ट बना लिया है. बादाम जो होती है ना दोस्तों, वो हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है. ये अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये उसे ख़त्म करेगी और बालों का झड़ना रोकेगी, और साथ ही साथ अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है तो ये उसे भी दूर करेगी और आपके बालों को स्ट्रॉन्ग और शाइनी भी बनाएगी और आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसे भी प्रमोट करेगी. और अगर आपको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है तो ये उसे भी दूर करेगी. यहाँ मैं ले रही हूँ कैस्टर ऑयल. जी हाँ, कैस्टर ऑयल जो होता है वो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल जैसे गुण होते हैं कैस्टर ऑयल में, जो कि स्कैल्प में होने वाले इन्फेक्शन को दूर करता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करता है. और साथ ही साथ इसमें रिसिनोलिक एसिड होता है जो कि हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को दूर करेगा और हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसे स्टिमुलेट करके हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा. नेक्स्ट मैं जो ले रही हूँ ये है हनी शहद. शहद जो होता है वो हमारे बालों के लिए गाइस बिल वरदान माना जाता है. ये बालों को मॉइस्चर, बालों का जो मॉइस्चर होता है ना उसको बरकरार रखता है, उन्हें हेल्दी और बहुत ही खूबसूरत बनाता है. और साथ ही साथ ये एक नेचुरल कंडीशनर का काम भी करता है और हमारे बालों को बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बना देता है. तो इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून शहद ऐड कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. अब इन सभी इंग्रेडिएंट को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लें और बहुत ही अच्छा एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लें और फिर आप इसे अपने स्कैल्प और हेयर पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लें. मैं आगे आपको अप्लाई करके भी बताऊंगी. 1 आवर इसे अपने हेयर में रखने के बाद आप इसे शैम्पू और कंडीशनर से वॉश कर सकते हैं. और उसके बाद गाइज आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे ना, तो मतलब आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं. आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे, सीरियसली. तो ज़रूर इसे ट्राई करना, बहुत अच्छा हेयर पैक है. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए. मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.